हेलो नमस्कार फ्रेंड, आज हम आपके लिए मूंग दाल की बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता लेकर आए हैं। मूंग दाल को हमने 2-3 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिया है। अब इसे अच्छी तरह से धुलकर इसे थोड़ी मिक्सी जार में दरदरा पीस लेंगे। अब इसे बनाने के लिए हमने ले लिए हैं दो कप गेहूं के आटा और आधा कप सूजी, जिससे क्रिस्पी टेस्टी और नाश्ता बने। इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी और क्रश करके, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, जिससे हमारा नाश्ता और ही टेस्टी बने। और इसमें थोड़ी सी मोइन देने के लिए थोड़ी सी कुकिंग ऑयल ले लेंगे, एक बड़ा चम्मच, थोड़ा मीडियम साइज का चम्मच से थोड़ी सा तेल ले लेंगे, जिसे हमारा मैन देकर अच्छा से और क्रिस्पी बने ये नाश्ता। अब इसे अच्छी तरह से मिलाकर पानी के सहायता से गूंथ लेंगे। देखिए, इसे हमने मिला लिया है। अब इसे पानी के सहायता से थोड़ी से गूंथ लेंगे अच्छी तरह से, थोड़ी से थोड़ी पानी डालकर इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। देखिए, इसे हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे हम ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तब तक चलते हैं फिलिंग बनाने। देखिए, मूंग दाल को हमने दरदरा पीस लिए हैं। अब चलते हैं, इसे हम गैस पे पैन एक चढ़ा दिए हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कुकिंग ऑयल। अब इसे डाल देंगे। अब तेल डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे सौंफ एक चम्मच छोटी स्पून से। अब इसमें डालेंगे कुटी हुई धनिया, जिससे हमारा स्वाद और ही अच्छा लगे, और थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके, ये सब पाचन शक्ति के लिए और अच्छा लगता है। अब इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च, ज्यादा तीखा उखा नहीं बनाना है, इसमें कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें इसे कड़क गया है। अब इसमें हम डाल देंगे बेसन, इसको भून लेंगे। जो हमने मूंग दाल पीसी थी उसे भी डालकर इसे भून लेंगे। इसे लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी बेसिक मसाले, स्वाद अनुसार पहले नमक डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी जीरा मिर्च पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ा चिली फ्लेक्स। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब भूनने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा स्टफरी बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट और अच्छा लगेगा। देखिए, फिलिंग बनकर तैयार है, कितना अच्छा फिलिंग बना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आटा बहुत अच्छी तरह से मुलायम और सख्त नरम हो गया है। जब भी कोई भी चीज बनाए तो आटा पहले गूंथ कर रख देने से ये बहुत ही अच्छा और नरम हो जाता है। चलिए, अब अगला प्रोसेस करें। अब इसमें से देखिए, हमने स्टफिंग एक बॉल में निकाल लिए हैं, बहुत ही अच्छा। अब इसको हम इसमें से लोइया काटेंगे, एक छोटी सी गोला निकाल कर इसको रोटी के आकार में बेलेंगे। ये बनाने वाला इस तरह के सांचे आते हैं, मैंने इस रोटी आकार में बेल दिए। इस तरह से इसको थोड़ा सा इस पे आटा लगा लेंगे। देखिए, इसमें हम थोड़ा आटा लगा लिए हैं। अब इस पर इस तरह से रख लेंगे और थोड़ा चम्मच के सहायता से इसमें फिलिंग भरेंगे और सभी को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, यह बनके तैयार है। इसी तरह से सभी को बनाकर तैयार करेंगे, देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो हाथ भी इस तरह से बेलकर और पानी की सहायता से चिपका सकते हैं। देखिए, हमने सभी बनाकर तैयार किए हैं। अब इधर हम तेल गर्म कर लिए हैं फ्रेंड। अब इसमें हम एक एक करके डाल देंगे। ये हमारा बहुत ही टेस्टी
नाश्ता बनकर तैयार होगा और बहुत खाने में भी अच्छा लगता है ये मूंग दाल का नाश्ता। ये सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और इसे आप भी ट्राई करिएगा। 5 मिनट में बिल्कुल गोल्डन ब्राउन जैसा तला गया है। अब इसे हम चटनी या दही या कुछ भी के साथ खाएंगे। चलिए अब इसे निकाल कर आपको सर्व करके बताती हूँ। देखिए ये बिल्कुल करारी करारी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है 5 मिनट में। आप इसे बनाकर जरूर ट्राई करिए और बहुत ही खाने में अच्छा और टेस्टी लगेगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।